Hello everyone, welcome to English Baba channel. My name is Nishu and I am gonna teach you science. And we are going to start the chapter of chemistry class 10, chemical reactions and equations. So basically ये जो chapter है ये आपके 9th class से थोड़ा बहुत link होता आपको 10th में ये करना होता है. अब जो 9th class में बच्चे नहीं पढ़े तो वो क्या करेंगे? लेकिन घबराने की बात नहीं है, 10th क्लास में जो ये चैप्टर है ये इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं है अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. सो सबसे पहला टॉपिक आपका है, जैसे कि चैप्टर का नाम ही बता रहा है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. तो हमें पहले ये पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शंस होती क्या है. सो केमिकल रिएक्शंस आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि दो तरह के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस. तो जो ये केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उन्हीं से ही ये केमिकल रिएक्शंस बनती हैं. सो केमिकल रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होंगी? वो रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट्स मिलके कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है, कोई सब्सटेंसेस जब जुड़ती हैं तो वो मिलकर कुछ नया प्रोडक्ट हमें देंगी, वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं. अब हमें इन केमिकल रिएक्शन को देख के पता कैसे चलता है कि जो ये रिएक्शन है वो केमिकली हो रही है या फिजिकली हो रही है? तो आपको याद होगा आपने 9th क्लास में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स किए थे कि टीचर आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस देके आपसे पूछती थी, बताओ कि ये फिजिकल चेंज है ये केमिकल चेंज है. तो बर्निंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, एवरीथिंग, दीज ऑल शो यू फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. तो अब हमें यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में भी उसी चीज को अप्लाई करते हुए उसको समझना है. तो देखो बेटा, केमिकल रिएक्शन क्या होगी? सो केमिकल रिएक्शन क्या है? इन केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म. देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हमें याद होगा, हमें आपको टीचर ने यही बात बताई है, जब कोई नई सब्सटेंस बनती है और उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है तो वो केमिकली रिएक्शन होने के बाद बनती है. तो ये केमिकल रिएक्शन क्या होगी? जब नई सब्सटेंसेस बन रही हैं जिसकी प्रॉपर्टीज जो पहले थी वो जो पहले वाले सब्सटेंसेस लिए गए हैं उनके जैसी नहीं है, लेकिन खुद की ही अपनी एक अलग प्रॉपर्टी है. तो इसका सबसे इजी और सबसे याद रहने वाला एग्जांपल बच्चों के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन. अब रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में जब होता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फेरिक ऑक्साइड में. मतलब ये एक ब्राउनिश लेयर होती है जो आयरन के ऊपर आ जाती है. तो ये जो ऑक्साइड लेयर है उससे आयरन क्या हो जाएगा? आयरन की जो लेयर है ऊपर वाली वो कैसी हो जाएगी? ब्राउन कलर की. सो ये जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है ये आयरन को वापस उसमें पहले वाली फॉर्म में नहीं आने देता. याद है ये चीज, फिजिकल चेंजेस वापस हो जाते हैं, केमिकल चेंजेस वापस से अपने पहले वाली फॉर्म में नहीं आ सकते. तो केमिकल रिएक्शन क्या हुई? केमिकल चेंजेस की वजह से हो रही है. सो आयरन और ऑक्सीजन फेरिक ऑक्साइड, मतलब आयरन की एक ऑक्साइड फॉर्म जो है वो बना देते हैं. ठीक है, अब देखो मैंने जो यहाँ पे ये रिएक्शंस लिखी हैं, ये बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपनी तरफ से भी ले सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एप्पल को कट कर दूं, एप्पल एंड एप्पल, अगर मैं इस एप्पल को कट कर दूंगी, फर्स्टली जो एप्पल का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है कट होने के टाइम पे, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये कट, एप्पल कट किया गया व्हाइट कलर का है, आफ्टर सम टाइम ये जो व्हाइट कलर है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अ लिटिल ब्राउनिश, और यू कैन से उसका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क सा होना शुरू हो जाता है. तो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. सो रस्टिंग ऑफ आयरन, एप्पल को जब कट कर दिया जाए, एवरीथिंग गिव्स यू एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस विच इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन. तो चलिए अब बात करते हैं चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. अब हमने ये तो पढ़ लिया कि केमिकल रिएक्शंस होती हैं, नए सब्सटेंसेस बनते हैं, नई प्रॉपर्टीज होती है उनकी, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कोई रिएक्शन जो हो रही है वो एक केमिकल रिएक्शन है? तो उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, चार चेंजेस आप नोट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो रिएक्शन हो रही है वो एक केमिकल रिएक्शन हो रही है. तो फर्स्टली जो आप एक
देख सकते हैं कि अगर उसमें कलर का चेंज हो रहा है, मींस चेंज इन कलर अगर आप ऑब्जर्व करते हो, जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया था एप्पल को कट करने वाला, तो अगर आप एप्पल को कट करते हैं तो शुरू में उसका कलर व्हाइट होता है, लेकिन एक घंटे बाद अगर आप उसको देखेंगे तो उसपे एक ब्राउनिश लेयर आ जाती है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, आपने उसका चेंज इन कलर ऑब्जर्व कर लिया। सेकेंडली आप उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं चेंज इन स्टेट। स्टेट चेंज होना मतलब अगर कोई चीज पहले सॉलिड में है और बाद में वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, या वाइस वर्सा, मैं कोई भी स्टेट की बात कर रही हूँ, जो पहले रिएक्टेंट साइड पे कुछ और फॉर्म में है लेकिन प्रोडक्ट साइड में वो अपनी स्टेट बदल रही है, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है? केमिकल रिएक्शंस होती है। तो मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल भी लिख दिया यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या लिया, अमोनिया गैस ली, गैस की फॉर्म में अमोनिया मैंने लिया यहाँ, और मैंने HCl को भी गैस की फॉर्म में लिया, ठीक है। अब ये बना क्या रहा है, अमोनियम क्लोराइड, और ये किस फॉर्म में होता है आपके पास अमोनियम क्लोराइड, सॉलिड फॉर्म में। सो यहाँ आपने देखा गैसेस फॉर्म से जो नया प्रोडक्ट बना, जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद नया सब्सटेंस बन रहा है, वो किस फॉर्म में बन रहा है, सॉलिड फॉर्म में बन रहा है। थर्डली जो आप देख सकते हैं दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, जो कि अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर, ये दोबारा से यूज होने वाली चीजें सब आएंगी। तो चेंज इन टेम्परेचर में आप क्या दे सकते हैं कि कोई रिएक्शन करते टाइम क्या टेम्परेचर के अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने दो चीजों को मिक्स किया और धीरे 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 जो बीकर है वो गर्म हो जाए, और ये भी हो सकता है कि उनको मिक्स करने के बाद जो बीकर है वो बाहर से उसकी जो सरफेस है वो ठंडी हो जाए। सो ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया आपके लिए, अगर मैं जिंक को, जो कि एक मेटल है, उसको मैं एसिड के साथ रिएक्ट करवा दूं, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस के साथ साथ हीट भी इवॉल्व हो रही है। इसका मतलब हीट इवॉल्व होने का मतलब एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, जिसमें बाहर जो बीकर होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और लास्टली जो आप नोटिस कर सकते हैं दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, गैस का रिलीज होना। ये बहुत सारे एग्जांपल्स बनते हैं इसके, और इसके फर्दर टेस्ट भी होते हैं कि जो इसमें गैसेस निकल रही है क्या वो जो हम सोच रहे हैं, जो हम हमें लग रहा है कि वो वाली गैस है, क्या उसके भी कोई टेस्ट है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे आने वाले टाइम में। तो इसके लिए भी यही सेम एग्जांपल हम लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी, तो मैंने दोबारा आपके लिए वही एग्जाम्पल लिख दिया कि जिंक और H2SO4 को रिएक्ट करवाने पे ZnSO4 और H2 गैस निकलती है। H2 गैस की पहचान क्या होती है, पॉपिंग साउंड के साथ ही बाहर आएगी। और सेकेंडली एग्जाम्पल मैंने आपके लिए क्या लिया है, कार्बोनिक एसिड जो कि एक्वस फॉर्म में आपके पास है, जब ये ब्रेक होती है तो ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होती है, और ये दोनों से ही ये वाली एसिड बनती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो कार्बोनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान टेस्ट क्या है कि ये लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देगा। लाइम वाटर में से जब ये गैस पास करवाई जाती है तो लाइम वाटर का जो कलर होता है वो मिल्की हो जाता है, जो कि एक पहचान है कि वो जो गैस है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें डरने की कोई बात नहीं, इन सभी गैसेस के जो टेस्ट होते हैं ये आगे हम पढ़ेंगे, ये सब हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। जो कि तुम आप लोगों को अभी याद करने की जरूरत है वो ये है कि ये चार तरह के आपके पास चेंजेस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर नोट किए जाने चाहिए। अब ये मत सोचना, कुछ बच्चे सोचेंगे कि क्या सारे के सारे चेंजेस होते हैं किसी रिएक्शन में, नहीं ऐसा नहीं है। एप्पल में कौन कौन से भी आपको कौन सा टेम्परेचर बदलता दिखेगा या गैस रिलीज होती दिखेगी, नहीं ऐसा नहीं है। कई बार हो सकता है दो चेंजेस एक साथ दिखाई दे, कई बार हो सकता है एक ही चेंज हो रहा है, और कई बार सारे चेंजेस भी किसी रिएक्शन में आपको मिल सकते हैं। तो ये आपको देखने की जरूरत होती है, अगर एक भी चेंज इनमें से आ रहा है तो वो एक केमिकल रिएक्शन होती है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस हमें पता चल गया कि चेंजेस हो रहे हैं, तो किस तरह के हम जो चेंजेस नोट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो केमिकल रिएक्शन है, लेकिन यहाँ इक्वेशन का क्या मतलब है? इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन केमिस्ट्री के अंदर इसीलिए यूज की जाती है कि वो केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर सके इक्वेशन की फॉर्म में। अब देखो, हम अगर एक एग्जांपल लें, नॉर्मली पूरी कहानी सुना दें कि इसने इससे रिएक्ट किया तो ये बना दिया, ये अगर एक पूरी फॉर्म में सुनाया जाए तो बहुत ज्यादा टाइम लेता है।
इसी टाइम को शॉर्ट करने के लिए, एज यू नो हम सबको शॉर्टकट बहुत पसंद है, तो उसी चीज को शॉर्ट करने के लिए इक्वेशंस बनाई गई थी। ये इक्वेशंस क्या होती हैं, किसी भी रिएक्शन को शॉर्ट तरीके से समझाने के लिए यूज होती है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको केमिकल इक्वेशन की नॉर्मल डेफिनेशन बताऊं या केमिकल इक्वेशन होती क्या है ये बताऊं, तो केमिकल इक्वेशंस आर यूज्ड इन केमिस्ट्री टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन केमिस्ट्री में यूज होती है किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब मैंने आपके सामने आपकी एनसीईआरटी बुक में एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है जो वो लिया, उसमें क्या बोला जा रहा है कि एक मैग्नीशियम रिबन है। आप सबने लैब में देखा होगा मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, एक पतला सा मेटल फॉर्म रिबन की एक फॉर्म होती है जो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो एक व्हाइट कलर की पाउडर फॉर्म में नीचे जाके जमा हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, अब अगर मुझे इस चीज को लिखना है तो एक तो मैं लिखूंगी कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म पाउडर्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज व्हाइट इन कलर। अरे यार मेरा तो हाथ ही दुख गया इतना लिखते हुए। अब सोचो हम इतने छोटे छोटे मासूम बच्चों को इतना दुख कैसे दे सकते हैं। तो केमिस्ट्री ने आपके लिए केमिकल इक्वेशन बना दी, वो कह रहा है आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप उसको छोटे वे में समझा सकते हैं। देखो ध्यान रखना, जैसे छोटे बच्चों की क्लास के अंदर वर्ड फॉर्म में लिखो, उसको दूसरी फॉर्म में लिखो, छोटे बच्चे करते हैं ना कि अगर हमें 1 2 3 लिखना है तो हमें स्पेलिंग सिखाई जाती थी, 1 इसका मतलब है 1, 2 इसका मतलब है 2। लेकिन अब हम छोटे बच्चे नहीं है, हमें क्या करना है, अब इसी चीज को वर्ड इक्वेशन बोलकर और उसकी सिंबॉलिक इक्वेशन बनाकर दिखानी है। देखना, याद रखना, इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे क्योंकि आपने 9th क्लास में जस्ट फॉर्मूला बनाने सीखे होते हैं, अब उन फॉर्मूला को सिंबॉलिक फॉर्म में आपको लिख के भी दिखाना है। ठीक है, सो आई होप 9th वाले टॉपिक्स आपको याद है। अगर वो नहीं याद है तो प्लीज उनको रिवाइज करना, केमिकल फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाले, ध्यान रखना। तो इसकी अगर हम वर्ड इक्वेशन लिखे, वर्ड इक्वेशन का मतलब अगर हम उसको पूरा का पूरा इक्वेशन को वर्ड की फॉर्म में, वर्ड टू वर्ड लिखे, तो इसकी वर्ड इक्वेशन अगर मैं बनाऊं तो क्या बनेगी, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो एयर के लिए मैं यहां पे ऑक्सीजन लिख सकती हूं। याद रखना, जब 2 3 चीजें कुछ भी रिएक्ट करती है तो उनके अंदर हमें बीच में प्लस का साइन लगाना होता है, जिससे वो पता चल जाता है कि ये रिएक्टेंट्स हैं और जो रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज व्हाइट इन कलर। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो जो बन रहा है वो एरो के बाद लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो दिस इज योर वर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब अगर इसी की मुझे वर्ड इक्वेशन की मुझे सिंबॉलिक इक्वेशन लिखनी है, तो देखो आपका काम आसान कर दिया उन्होंने, बस आपको क्या पता होना चाहिए कि इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल क्या है। तो ये आपको 9th क्लास में ही बहुत अच्छे से समझाया गया था कि ये आपको लर्न करने। तो अगर मैं इसकी सिंबॉलिक इक्वेशन लिखूं, अब मुझे इसके सिंबल इसके नीचे लिख के बताने हैं, तो मैं क्या लिखूंगी, मैग्नीशियम के लिए लिखूंगी Mg, ऑक्सीजन के लिए मैं लिखूंगी O2, और जो बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड उसका फॉर्मूला होता है MgO। ठीक है, इसकी मैं बैलेंस फॉर्म लिख रही हूं, बैलेंसिंग मैं आपको बाद में सिखाऊंगी आने वाले टॉपिक्स में। तो ये आपके लिए हो गई सिंबॉलिक इक्वेशन। ठीक है, ये बहुत आसान होती है अगर आप इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। सो केमिकल इक्वेशंस लिखते टाइम आपको एक और चीज का भी ध्यान होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट्स कौन होते हैं और प्रोडक्ट्स कौन होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स बच्चे कर देते हैं।
तो आपको क्योंकि आपकी टेंथ की ये स्टार्टिंग है तो आपको छोटे छोटे टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। मुझे पता है बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे भी होंगे जिनको पता होगा अरे मैम ये क्या बता रहे हो, ये तो हमें पता है, लेकिन बहुत बच्चों को नहीं भी पता होता। तो हमें ये बहुत जरूरी है कि कोई रिएक्शन अगर हो रही है तो कौन सी चीज रिएक्ट हो रही है और क्या बना रही है और उनका क्या नाम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते क्या है बेटा? रिएक्टेंट्स मतलब रिएक्ट करने वाले, जो रिएक्ट हो रहे हैं, जो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो जो हम ले रहे हैं सब्सटेंसेस जिनको हम रिएक्ट करवाना चाहते हैं वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स। द सब्सटेंसेस विच रिएक्ट्स together or with each other, with each other to form new substances और जो यहां पे मैं new substances की बात कर रही हूं actual में वही products होते हैं, ठीक है। so हम क्या बोलेंगे? products। The new substances formed after a chemical reaction, ठीक है। तो ये बहुत आसान है लर्न करना। अब ये भी ध्यान रखना कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कहां लिखे जाते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड। और जो प्रोडक्ट होते हैं वो कहां लिखे जाते हैं? राइट हैंड साइड, ठीक है। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इनके बीच में हम क्या लगा देते हैं? एरो। यहां क्या होंगे? रिएक्टेंट्स। और इस साइड क्या बनेगा? प्रोडक्ट। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कितने भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। और या इसी तरह से रिएक्टेंट्स भी मैटर करता है कि एक लिया जा रहा है, एक ही चीज किसी फॉर्म में टूट के बन रही है कुछ, इसके टाइप ऑफ रिएक्शन आप आने वाले टाइम में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं एक रिएक्टेंट की बात क्यों कर रही हूँ, ठीक है। तो जो नई सब्सटेंसेस बनती हैं आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन वो प्रोडक्ट होते हैं। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैं आपके लिए एग्जाम्पल ले रही हूं, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, क्या बना रहा है जिंक और कॉपर सल्फेट? बहुत आसान है, सल्फेट को जिंक के साथ जोड़ देना। जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने जा रही हूं। यहां मैंने लिया जिंक कॉपर सल्फेट। तो अगर मैं जो दो चीज लेफ्ट साइड पे ले रही हूं वो क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स। तो ये दोनों क्या है आपके पास? रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये रिएक्टेंट वन है, ये रिएक्टेंट टू है। अब जो ये बीच में मैंने प्लस का साइन लिया, ये प्लस का साइन आपको क्या बताता है? कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने वाले हैं, ठीक है। मतलब जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर। तो मैं यहां लिख सकती हूं ये जो प्लस का साइन है ये आपको बता रहा है इट इज रिएक्टिंग विद, और मैं यहां लिख रही हूं रिएक्ट्स विद, इट रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट। अच्छा, अब बीच में आ गया एरो, मतलब जो नया सब्सटेंस यहाँ पे बनेगा क्या बन रहा है? यहाँ पे दो सब्सटेंसेस बन रहे हैं, जिंक सल्फेट और कॉपर। मैंने यहाँ और क्यों बोला? मैंने अभी अभी बताया प्लस का मतलब होता है रिएक्ट्स विद, लेकिन बेटा ये ध्यान रखना ये रिएक्ट्स विद तब चलेगा जब रिएक्टेंट लिए जा रहे हैं। यहाँ पे प्लस का साइन आपको रिएक्ट्स विद नहीं बताएगा, ये बताएगा सिंपली कि दो चीजें, एंड इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंड, और हिंदी में और, ठीक है।
तो यहां पे प्लस का मतलब है रिएक्ट्स विद और यहां पे प्लस का मतलब है एंड. तो ये जो दोनों आपके पास बन रहे हैं ये प्रोडक्ट वन बन रहा है और ये प्रोडक्ट टू बन रहा है. ठीक है, ये याद रखने का तरीका क्या है कि राइट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाले रिएक्टेंट होते हैं. तो यहां जो एरो की साइड होती है हेड पार्ट वो किसकी तरफ होता है, प्रोडक्ट्स की तरफ, और इसका जो ये टेल पार्ट है ये किसकी तरफ होता है, रिएक्टेंट्स की तरफ. सो ये बहुत आसान तरीका है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को लर्न करने का. आप इस चीज को समझ के अच्छे से बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखिए और उन एग्जाम्पल्स को किस तरह से नया प्रोडक्ट बनाते हैं ये सब बनाकर आप देखेंगे तो आपको रिएक्शंस अच्छे से समझ आ जाएंगे और उसकी इक्वेशंस देखनी भी आ जाएंगी. तो हमने अभी देखा कि केमिकल इक्वेशन को लिखने का क्या तरीका होता है, कैसे हमें उसको रिएक्टेंट्स को लेफ्ट साइड पे और प्रोडक्ट्स को राइट साइड पे लिखना है, कैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो प्लस के साइंस है वो क्या डिफाइन करते हैं, कितने रिएक्टेंट्स हो सकते हैं कितने प्रोडक्ट्स होते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम जितने रिएक्टेंट लेंगे उसके हिसाब से कितने प्रोडक्ट्स वो बनाएगा, एक रिएक्टेंट है दो रिएक्टेंट है तीन रिएक्टेंट है, इट डिपेंड्स. ओके, और इसी तरह से इनके सिंबल्स लर्न करना बहुत जरूरी है. सिंबल्स लर्न नहीं होंगे तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा. केमिकल फॉर्मूलेज लर्न करना, केमिकल सिंबल जो सिंबल्स होते हैं जो भी एलिमेंटल फॉर्म होती है, ये एलिमेंटल फॉर्म जो है एलिमेंट का जो सिंबल है वो आपको पता होना चाहिए. उसके बाद अगर मैं इनके बैलेंसिंग की बात करूं तो बैलेंसिंग बहुत जरूरी है लाइफ में, बैलेंस होना बहुत जरूरी है. लाइन तो सुनी होगी आपने, तो यही चीज केमिस्ट्री में भी अप्लाई होती है. बैलेंस चीज आपको इजीली डिफाइन करने के लिए काम आती है कि कोई चीज को कितनी अमाउंट में यूज किया जाए. अब जैसे आपके पास जैसे कोई भी पैकेट बंद चीजें होती हैं, पैकेट फॉर्म में कोई खाने वाला प्रोडक्ट है तो उसके पीछे उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन दे रखी होती है कि 2 ग्राम इसमें फैट्स है, 3 ग्राम इसमें ये है, 0.0 काफी कुछ लिखा होता है. तो ये सब क्या है, ये उसकी पूरी की पूरी केमिकली क्या क्या चीजें उसके अंदर होती हैं, उसकी एक एक अमाउंट, ताकि वो आपको प्रॉपर प्रोपोर्शंस बता सके कि उसमें हमें क्या क्या मिल रहा है, प्रोटीन्स कितना है, कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, फैट्स कितना है. तो इसी तरह से कोई रिएक्शन जब होती है तो उसमें अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है. तो आपको याद आ रहा होगा कंजर्वेशन ऑफ मास, 9th क्लास में आपने पढ़ी थी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे अप्लाई होती है. तो अगर मैं एक केमिकल इक्वेशन की बात करूं तो स्केलेटल इक्वेशन और बैलेंस्ड इक्वेशन. स्केलेटल इक्वेशन मतलब आपको एक ढांचा दे दिया है, स्केलेटल मतलब ढांचा, ठीक है, ये बता दिया कि दो चीजें हैं और एक प्रोडक्ट बना रही है. अब ये जो दोनों चीजें सामने से रखी हैं ये बैलेंस नहीं है, ठीक है, इसका मतलब स्केलेटल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो बैलेंस्ड नहीं होती है. द इक्वेशन विच इज नॉट बैलेंस्ड इज नॉन एज स्केलेटल इक्वेशन. मैंने एग्जाम्पल सामने क्या लिया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाला जो अभी थोड़ी देर पहले लिया था. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन अगर मैं उसी की बैलेंस इक्वेशन की बात करूं तो बैलेंस इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग आपको ये चेक करना है कि रिएक्टेंट वाली साइड जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्रोडक्ट वाली साइड के साथ जब कंपेयर किए जाएंगे तो वो इक्वल होने चाहिए. द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल सो एज टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. यहां मैंने दो रिएक्टेंट्स लिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जो कि क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं. अब इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया, ध्यान से देखिए. आपके पास स्केलेटल इक्वेशन थी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिविंग मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब आपको ध्यान से देख के पता चल रहा होगा कि एक मैग्नीशियम यहां है तो एक ही यहां पे है, लेकिन दो ऑक्सीजन यहां है और यहां पे तो एक ही है, तो हमें इसको बैलेंस करना है. अब बच्चे क्या करते हैं, यहां 2 लगा देते हैं, लॉजिक हो गया काम. भाई दिमाग लगाओ, आपको फॉर्मूला बनाना है, केमिकल फॉर्मूले आप अपनी मर्जी से बदल नहीं सकते हैं, ठीक है, ये कोई नमक मिर्च नहीं है जो डाल दिया और सही हो गया. तो आपको यहाँ पे यहां नहीं लगाना है क्योंकि फॉर्मूला ये नहीं होता मैग्नीशियम ऑक्साइड का. आप 2 को सामने लगा सकते हो, आप उसके अमाउंट चेंज कर रहे हो, ठीक है, फॉर्मूला चेंज नहीं कर रहे हो, आप उसके अंदर कितनी अमाउंट में कोई चीज ली जा रही है सिर्फ उसको बैलेंस करेंगे. तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, अब यहाँ पे 2 लगाने से ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम भी कितने हो गए, 2. तो
इजी, बिल्कुल इजी, यहाँ पे भी मैग्नीशियम को क्या कर दो, टू, तो ये रिएक्शन आपके पास क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड फॉर्म में आ जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से समझना, कभी भी फॉर्मूले के साथ छेड़छाड़ मत करना, वरना आपके नंबर के साथ पूरी छेड़छाड़ कर देगी टीचर। तो ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO। बेटा क्लास में मैम ने समझाया होगा केमिकल फॉर्मूला निकालने का तरीका, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू और इसकी होती है माइनस टू। सिंबल लिखेंगे पहले मैग्नीशियम का और ऑक्साइड का, Mg और O, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे कट हो जाता है, वन फॉर्म रेशियो आ जाएगी, तो MgO इसका फॉर्मूला। ये आपको अगर याद है MgO फॉर्मूला होता है तो यहां आप उसको बदल नहीं सकते, ठीक है। तो बैलेंसिंग को समझने के लिए चलो दो तीन और एग्जांपल्स हम कर लेते हैं, इससे आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसे बैलेंसिंग को करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने आपके सामने ली है, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हैं, क्या ये रिएक्शन बैलेंस लग रही है आपको, चलो चेक करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक बेरियम है, यहाँ पे भी एक। बेटा एक एक एलिमेंट को चेक करना, एक एक एलिमेंट को, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए पूरा इसको देख लिया और पूरा इसको, सब अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये BaCl2 बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे एक बेरियम, यहाँ एक बेरियम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो क्लोरीन है लेकिन यहाँ पे एक ही है, मतलब आ गई एक गड़बड़ इधर, तो मुझे यहाँ पे टू क्लोरीन करना है, क्या करेंगे यहाँ लगा दो टू। ध्यान रखना फॉर्मूला नहीं चेंज करना, आप क्या कर सकते हैं सिर्फ यहाँ पे लगा सकते हैं, सो टू मैंने इधर लगा दिया। अब ये टू लगने से क्लोरीन इक्वल हो गए दोनों, बिल्कुल सही। यहां मैं हाइड्रोजन चेक करूंगी, दो हाइड्रोजन है और यहाँ पे अभी अभी टू लगाने से हाइड्रोजन भी कितने हो गए, टू हो गए, तो मतलब ये बिल्कुल सही है, एक ही SO4। अब तुम कहोगे एस अलग O4 अलग, बेटा ये सल्फेट है तो सल्फेट को इकट्ठा चेक किया जा सकता है, ठीक है, अगर आप एक एक करना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे एक है एक, ये चार है तो ये भी चार है, तो SO4 भी क्या है, बैलेंस्ड है, सो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ सेकंड ले रहे हैं हम आयरन वाटर, ठीक है, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, आयरन की ऑक्साइड फॉर्म बन रही है आपके सामने, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन निकल रहा है। अब ये बहुत सारे आगे टाइप ऑफ रिएक्शन आएंगे जब आपको कंफ्यूजन भी होती है, तो आपको सिर्फ एक बार बैलेंसिंग पे फोकस करना है, इन सबके नाम वगैरह सब धीरे धीरे आपको समझ में याद भी आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन सबसे पहले तो यहीं पे स्टक करेगा कि यहाँ एक है और यहाँ तीन है, तो मैं यहाँ क्या करूंगी, थ्री लगा दूंगी, ठीक है। अब यहाँ थ्री लगा दिया, उसके बाद मैं हाइड्रोजन चेक करूंगी, हाइड्रोजन भी टू दिख रहे हैं, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात आएगी ऑक्सीजन पे। अब ऑक्सीजन यहाँ एक है और यहाँ पे कितने, चार, तो मुझे ऑक्सीजन को इक्वल करना पड़ेगा ना, तो यहाँ मैं ऑक्सीजन को फोर करना चाहती हूँ, तो मैं नीचे नहीं यहाँ लगाऊंगी फोर, ठीक है। अब फोर लगाने से क्या हुआ, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, फोर फोर ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन H2 आगे बढ़ा है, फोर कितने होते हैं भाई, फोर और टू सिक्स हो गए, नहीं, ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, मल्टीप्लाई करना है आपको, प्लस नहीं करना है, फोर प्लस टू नहीं करना, फोर मल्टीप्लाई टू करना है, ठीक है। तो फोर मल्टीप्लाई टू कितना होता है, एट, तो यहां पे भी आपको फोर लगा देना है, तो एट एट हाइड्रोजन की हो गए, दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ सो जो थर्ड इक्वेशन है वो हमारे पास है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर। तो ये बहुत ही इजी है, पर बच्चों को लगता है ब्रैकेट आ गई और ये बाहर ब्रैकेट के टू लिख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो बहुत मुश्किल होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना, इन चीजों को ब्रैकेट होल्ड ट्वाइस बोला जाता है, होल्ड ट्वाइस, ठीक है। तो कैल्शियम मैं दोनों साइड कैल्शियम देखूंगी पहले, तो कैल्शियम यहां पे भी एक ही है और यहां भी एक ही है, नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं ये OH के बाहर टू लगा है, इसका मतलब है O भी दो बार है, H भी दो बार है, यहां पे भी एक H आ गया, और उस साइड अगर हम देखें तो यहां पे वो इक्वल नहीं है, इसको हम लेते हैं बाद में, जो कि इजी, हमेशा कैसे रिएक्शन को करते हैं, पहले जो इजीली सॉल्व हो जाए, जो इजीली फटाफट हो जाएगी चीजें बैलेंस, पहले उनको करो। तो यहां आपको NO3 दिख रहा होगा नाइट्रेट, और यहां पे भी नाइट्रेट पड़ा है, लेकिन ये जो नाइट्रेट है इसके बाहर ब्रैकेट लगा के इन्होंने टू लिख दिया,
इसका मतलब है होल ट्वाइस, मतलब नाइट्रेट NO3 जो है वो टू टाइम्स है, तो मुझे इधर बिल्कुल भी वो मुश्किल नहीं होगी इसको भी टू टाइम्स करने में। बेटा यहाँ पे ऐसे करके ब्रैकेट लगा के मत कर देना, मैं बार बार बोल रही हूँ ये बात, आप फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ टू लगा देना है, हो गया NO3 NO3 दोनों टू टाइम्स हो चुके हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे टू लगाया, इस हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन और जुड़ गया, मतलब टू हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी टू है, कितने हो गए फोर हाइड्रोजन, लेकिन उस साइड कितने हैं दो ही हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लगा सकती हूँ टू लगा सकती हूँ, आगे इसके टू लगा सकती हूँ, तो कितने हो गए हाइड्रोजन चार। अब ये टू लगने से ये वाली ऑक्सीजन भी और बढ़ गई है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं दो ऑक्सीजन, ये सारी ऑक्सीजन बैलेंस है, सारे नाइट्रोजन बैलेंस है, और कैल्शियम बैलेंस हो गया, हर चीज यहाँ पे क्या हो चुकी है बैलेंस हो चुकी है। सो अब मैं आपको कुछ होमवर्क देने वाली हूँ, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उसके आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगी, लेकिन आपको खुद को वो होमवर्क करना है और मुझे वो आंसर्स बताने हैं कमेंट कर, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको होमवर्क मैं दे रही हूँ सामने। सो फाइनली जो आपका होमवर्क है, जो कि बहुत थोड़ा सा है, अगर आप उसको करेंगे तो आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। आपके पास बहुत टाइम है बेटा, आप अगर अभी से पढ़ेंगे तो टेंथ क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मत सोचिए ये तो आसान है, ये तो हो जाएगा, आसान है तो दो मिनट में कर सकते हैं, तो करिए जरूर, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन ये सामने बोर्ड पर है, इन क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट लेकर इसको कॉपी पेन लीजिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब टू इंग्लिश बाबा चैनल। ओ सॉरी, मैंने अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया, माय नेम इज निशु, एंड प्लीज टेल मी इफ यू लाइक माय वीडियो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो भी जेन्युइनली आई वॉन्ट टू नो, आपके कॉमेंट्स में आप बताइए अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आई है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और नहीं भी लगा होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाऊं। सो इंग्लिश बाबा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय।